यूपी के निषाद नेता ने बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी को दी बड़ी धमकी, पीएम से सुरक्षा की मांग। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर यूपी में मजबूत करेंगे भाजपा का गढ़, बनाए गए सह प्रभारी। निलंबित एमबीआई ने काली कमाई से अर्जित की करोड़ों की संपत्ति, ईओयू की छापेमारी में खुले राज। बिहार में 534 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को जल्द मिलेगी नौकरी, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में की जाएगी पोस्टिंग। बिहार पंचायत चुनाव के मद्देनजर बदमाशों पर रखी जा रही है विशेष नजर, वाहन जांच अभियान में आएगी तेजी। पटना में महिला आईपीएस की बेटी से रेप की कोशिश, कूटने की शर्मनाक हरकत, महिला थाना की पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीएमसीएच में ज्वाइनिंग के लिए वसूली का खेल, जीएनएम नर्सिंग की पोस्टिंग में वसूला जा रहा पैसा, कैमरे में वसूली करते दिखा स्टाफ, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। दूसरे राज्यों से आए दुल्हनों के लिए फरमान, बिहार पंचायत चुनाव में पिता की श्रेणी में ही मिलेगा आरक्षण, राज्य से मिला जाति प्रमाण पत्र ही होगा स्वीकार। रामविलास की वर्षी के कार्ड पर चिराग पारस से एक साथ, राजनीतिक और पारिवारिक विवादों को भूले चिराग, केंद्रीय मंत्री चाचा पारस और सांसद भाई का छुपवाया नाम। लोदीपुर चांदमारी सड़क बचाओ आंदोलन, पटना एएसएफ कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के पुलिस से झड़प, डीएम ऑफिस के पास पुलिस ने चटकाई लाठियां, बुधवार को मनाएंगे काला दिवस। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।